की माता हिमवान के घर पर पार्वती बनकर प्रकट भई। बोलो पार्वती मैया की। पार्वती जी ने तपस्या की, बारह शंभुनाता रहा कुमारी, बारह शंभुनाता रहा कुमारी। पार्वती माता तपस्या करती, विवाह करूंगी तो भोले बाबा से, नहीं तो कुमारी रहूंगी। तपस्या खूब की, नहीं मानी, सप्तऋषियों ने मनाया। तब भगवान शंकर जी के पास ब्रह्मादिक देवता गए, विवाह कर लो भोले बाबा शादी। तब तक एक राक्षस प्रकट हो गया तारकासुर, जिसे वरदान था कि वो भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न पुत्र के हाथों ही मरेगा। अब शंकर जी को तो विवाह ही नहीं भवा, पुत्र कहां से हो, एक भव तो सुस्वाहा होगा, अब क्या किया जाए। तब देवता ब्रह्मा जी सब शंकर जी के पास पहुंचे, भोले बाबा बहुत दिन से बरात नहीं भैया, ब्याह करो। तो भोले बाबा बोले हमें लड़की कौन देगा, बोले हमने सब फिटफाट है मामला, आप तो हाँ बोलो, तैयारी फुल है। भोले बाबा बोले भाई एक बार कर लिया, झंझट बहुत उल्टा है, हमें नहीं, हमें इन झंझटों में पड़ना ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं। देवता बोले अरे अरे बहुत दिन हो गए, रसगुल्ला नहीं मिली हम लोगों को, विवाह करो शादी, हाँ बोलो हाँ। जब नहीं माने देवता, भगवान प्रकट भय राम जी, हाँ भाई भोले बाबा विवाह करो, प्रभु की आज्ञा है। तो बिना मन के ठीक है, अब ठीक है, अब करेंगे। पार्वती जी की परीक्षा ली, लगन भेजी गई, धीरे धीरे विवाह की तैयारी होने लगी, देवता भी तैयार होने लगे, भोले बाबा की बारात चलनी है, सब देवता तैयारी कर रहे हैं भोले बाबा की बारात में। जमराज अपने भैंसा, जमराज का वाहन है भैंसा, जमराज अपने भैंसा हैं लगो रगड़ बे साफ करवे एकदम। भैंसा बोलो सरकार आज क्या गड़बड़ है। जमराज बोले अगर गोर आज मैंने करिया से गोर ना कर दिया, आज बारात में जाना है। किसकी, भोले बाबा की। भैंसा बोलो सरकार कितना भी रगड़ लो खाल छिल जाएगी, पर हम करिया के करिया ही रहेंगे। ठीक है तो व्यवहार में जाओ। बढ़िया स्नान ध्यान करवाया, बढ़िया श्रृंगार किया जमराज ने भैंसा का। उधर इंद्र ने ऐरावत हाथी का श्रृंगार किया, भगवान विष्णु ने गरुड़ का श्रृंगार किया। लेकिन जिसकी शादी है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, भोले बाबा ज्यों के त्यों बैठे। शाम हो गई, शंकर जी के गण बोले भोले बाबा आपकी आज शादी है। भोले बाबा बोले तो क्या दिक्कत है, अरे कम से कम मेकअप तो करो, ऐसे ही चले जाओगे। भोले बाबा बोले हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, आज आप दूल्हा हो, दूल्हा कहो तो हम आपके लिए मुकुट ले आए। अरे नहीं नहीं नहीं, मुकुट ये लफड़ाना। फिर भगवान शंकर जी बोले मुकुट की क्या जरूरत, हमारी जटाओं का ही मुकुट बनाओ। शंकर जी के गणों ने जटाओं का मुकुट, जटा मुकुट आही मोर सवार, जटाओं का मुकुट। अब नंदी ने कहा कि मुकुट तो बन गया लेकिन मोर तो, भृंगी बोली ये मोर क्या है, बोले लंबो लंबो लटको रात सामने। नंदी बोले चिंता मत करो, पतले पतले पीरे पीरे सांप ले आए, छोटे छोटे पतले पतले सांप पकड़ के ले आए 10-20 ठैया, सब सांपन को मुंह बांधो और मुंह को जो है जटाओं में फंसा दिया और पूंछ सामने लटका दी, तो जटा मुकुट आही, आही माने सांप, मोरे सवार, सांपों का मोर बनाया गया। कहा भैया मुकुट हो गया, मोर हो गया, कानों में कुंडल और होने चाहिए। तो कानों में कुंडल काहे के, दो दो सांप दोनों तरफ पतरे पतरे लटका दिए कानों में, एक सी साइज के फिटम फिट। कहा ये कुंडल बहुत अच्छा है, आहा। अब कहा भाई कानन कुंडल हो गया लेकिन दूल्हा का मेकअप नहीं हुआ, पाउडर लगना चाहिए दूल्हा को। तो कहा पाउडर कैसा होता है, तो भृंगी बोले भाई सफेद। नंदी बोले चिंता मत करो,
अब वहां कोई मेकअप की दुकान तो थी नहीं। भागे भागे नंदी मरघट से 5 किलो राख उठा लाए और उसी को ठीक ठाक करके, एक तो हमारे भोले बाबा वैसे ही कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौरांग। भगवान भोले बाबा वैसे ही सफेद, ऊपर से पाउडर, कोई आदमी एकदम सफेद हो यो पाउडर लगा दो जाए तो अलग लगता है विचित्र। और इन लोगों ने पाउडर लगाया नहीं, शंकर जी के गण थोप दो राख लई और थोप दई, मला नहीं थोप दिया आंखन में तो ठीक, भवन के ऊपर भी। अब नंदी बोले कुछ भी कहो, दूल्हा पे पाउडर गजब का जम रहा। कहा भाई मेकअप हो गया, मुकुट हो गया, मोर हो गया, अब बाबा जरा खड़े तो हो। बोले साहब गड़बड़ है। बोले क्यों? बोले शेरवानी तो है ही नहीं है। बोले बाबा, बोले हमको ये लफड़ा नहीं चाहिए, शेरवानी एरवानी हम जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। नंदी कान में बोले, बोले सरकार जिस हिसाब के आप बैठे हो इस हिसाब से आपको कहीं बरात आपके लायक फिर बिटिया ही नहीं है। बोले बाबा, बोले मतलब? बोले बिना वस्त्र के जाओगे कौन अपनी बिटिया देगा, कपड़े तो पहनो। शंकर जी बोले देखो भाई हम शेरवानी एरवानी नहीं पहने तो क्या किया जाए। तो जिस मृग छाला पर भोले बाबा बैठे हुए थे उसी को कहा कि ये लपेट दें। शंकर जी बोले ये ठीक है। अब मृग छाला में कौन से बटन हैं कि जो फंस जाए कमर में, मृग छाला में कौन से बटन हैं जो उसमें वो चिपक जाए। अब बेल्ट तो होते नहीं थे तो कहा क्या किया जाए। तो नंदी बोले भाई एक काम करो, एक गण की ड्यूटी लगाओ कि वो पकड़े ही रहेगा। तो भृंगी ने कहा कि ये ड्यूटी लगाना गलत नहीं है, कहीं धोखे से भर भावर में उसका हाथ दर्द करने लगे और कहीं छूट जाए तो पूरी इज्जत गायब हो जाएगी है? भाई सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो कहा कि क्या किया जाए। नंदी बोले इसका भी एक उपाय है। नंदी ने मृग छाला कमर में लपेड़ी और 2.5-3 हाथ का एक करिया नाग लाए, उस सांप को कमर में मृग चर्म के ऊपर लपेड़ कर नाग को उंगली दिखाकर बोले सुनो तुम मत खिसकना, दुनिया उलट पलट जाए तुम ना सरक यो, अगर तुम सरक गए तो पूरी इज्जत। नाग भी बड़ा चतुर था, बोले आप चिंता मत करो हम पे छोड़ो, समझदार था। भोले बाबा बोले अब बताओ श्रृंगार कैसा है, अद्भुत है। हाथ में डमरू, त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा, ललाट में त्रिपुंड, नेत्रों में त्रिनेत्र और स्वयं भी त्रिभुवन धारी। कितना अद्भुत संयोग नहीं है, ललाट पर त्रिपुंड, मस्तक पर चंद्रमा, नेत्रों में त्रिनेत्र और हाथ में त्रिशूल और स्वयं भी त्रिभुवन धारी। बरात के लिए भोले बाबा तैयार भय, सारे गण भी तैयार भय, लेकिन गड़बड़ हो गई शुरू में ही। क्या? शिवजी ने नीचे से ऊपर तक जब देखा कि हमारे बराबर अब सुंदर कोई नहीं है, आज अद्भुत श्रृंगार हो गया, तो उन्होंने डमरू ली और डमडमाई। जब डमरू बजाई तो नंदी भृंगी श्रृंगी सब समझ गए कि बाबा प्रसन्न है। तो साहब मन में होकर के प्रसन्न कि आज बाबा की बरात है।
बाबा की बारात। टमक टमक टुम 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 टमक टमक। भोले बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। डमरू बाजा ताता दैया, ताता दैया, ताता दैया, ताता दैया, ताता दैया, ताता दैया, ताता दैया। भोले तेरा भोला है मंदारी करता की बारात। भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। कौन कौन बराती है, दोनों हाथ उठाकर। भोलेनाथ नंदी नाचे दादा दैया, दादा दैया, दादा दैया, दादा दैया, दादा दैया, गड़बड़ यही हो गई क्या। सब नाच रहे थे, भोले बाबा भी, नंदी भी, भृंगी भी, श्रृंगी भी। जो नाग कमर में लपटा हुआ था उसने सोचा सब डांस कर रहे हैं, हम दो ठुमका लगा ले। मैं और सब नच रहे, केवल हम भर रह जाएंगे कमर में बंधे बंधे, फिर मौका नहीं मिलना है। अबे तो कैलाश पर्वत है, अंधेरा है, कोई देख नहीं रहा, धीरे से घिसक जाएंगे, डांस करके फिर आ जाएंगे। और भोले बाबा को कोई ध्यान ही नहीं, और वो नाग भी इतना चतुर, अब हो सकता है कभी अशोक नगर आया हो। नाग निकल गया, निकल गया तो बाघांबर नीचे और नाग कोने में। भोले बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। नंदी नच रहे, भृंगी नच रहे, श्रृंगी नच रहे, भोले बाबा खुद नटवर बने, अब वो नाग भी कोने में। लेकिन अशोक नगर वाले फिर भी खड़े, डाला ना ना सज रहे भोले बाबा निराले दूले में, निराले दूले
पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाओ। नाग नाचे बोले नाचे देवता नाचे डमरू बाजे सज रहे भोले बाबा तेरा रे दूले निराले दूले मैं मत वाले दूले निराले दूले मैं मत वाले दूले हाँ सज रहे भोले बाबा निराले दूले 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 निराले दूले मैं निराले दूले निराले दूले निराले दूले हर हर महादेव। जब नंदी यहां ध्यान आओ कि नाग तो गायब है। नंदी ने गौर से देखो कि सांप गायब, तो ढूंढा कहां, कोने में पकड़े गए नाग देवता नचा। तो नंदी ने कहा ये क्या है। नाग भगवान बोले बोले महाराज कुछ भी नहीं डांस है। तो बोले हमने तुम्हारी ड्यूटी कहां लगाई थी। बोले सरकार ड्यूटी तो निभा रहे थे पर हमें लगो हम ही तनक ढुमका लगा लगे। तब नंदी ने खूब डांटा बैठ जाओ नहीं तो तुम्हारे पास भी आ जाए। हर हर महादेव। अब बारात चली देवता आए। देवताओं ने अद्भुत रूप देखा अद्भुत अनूठा रूप हमारे विश्वनाथ का। देवता सोचने लगे कि अगर इनके साथ जाएंगे तो जो है भंडारा भी नहीं मिलेगा। देवता आगे आगे शंकर जी अकेले रह गए पीछे। शंकर जी बोले बराती गए। नंदी बोले चले गए अपन लोग अकेले अब क्या करें। अपनी वाली बारात बुलाओ भोले बाबा। बोले भोले बाबा की बारात कौन सी है। भूत प्रेत पिशाच सांकनी डांकनी गंधर्व यक्ष राक्षस जिन्न बेताल। नंदी ने पुकार लगाई भूत हो प्रेत हो पिशाच हो सांकनी हो डांकनी हो सब यहां पर आइए भोले बाबा की बारात में सब चलिए। पूरे मरघटों के भूत भागे भागे गए। सब मरघटों के भूत भारत के भूत परदनिया पहन पहन गए। वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत आए करिया करिया। चाइना के हल्की हल्की आंखन के भूत आए चाइना के भूत आए। ऑस्ट्रेलिया के लंबे लंबे आओ आओ। अब वो तो भाई जब भूत बुलाए तो सब जगह के आए होंगे। अशोक नगर को भी गाओ आओ। इतन के भी गए और इतन के तो टाई लगा के गए गए। अमेरिका के भूत आए टाई लगा लगा। अब भूत आते ही शंकर जी की जय जयकार करते जय भूतनाथ विश्वनाथ। शंकर जी आशीर्वाद देते कैसे हो बढ़िया कहां। भूत बोले कहां ले जा रहे है? बोले बरात। भूत भी बोले जय हो। अब भूत भी ऐसे नहीं आए कौ मुखहीन विपुल मुख काहू। रामायण में वर्णन आया है भूतों का गोस्वामी जी लिख रहे हैं कौ मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के मुख है ही नहीं। और बोले क्या बोले विपुल मुख काहू। कोई ऐसा भूत है जिसके चार चार मुख। टेंशन हमें नहीं है। टेंशन तो है वहां
जहां बारात जा रही पत्तल डारे बारे यहां के पूरब दिशा बारे में डारे के पश्चिम बारे में टेंशन तो उनको तो कहू एक एक भूत तो और गजब को ऊके पांव है नहीं हाथ ही हाथ है सो गेंद सी लोड़का तारो एक भूत के हाथ पांव भी नैया ड्राम सो लोड़का चलो वारो एक भूत बड़ा गजब का बोले क्यों बोले उसके पीछे आंखें हैं बैक साइड में तो चल रहा कहीं और देख रहा कहीं और एक प्रेत तो और गजब का है जिसका मुख ऊपर है तो बोले इसमें दिक्कत क्या है बोले दिक्कत ये है अब हवाई जहाज वालों पत्तल तो मिलने नहीं है ये अगर भंडारा पाएगा तो कैसे पाएगा या तो ये उल्टा होगा या पत्तल ऊपर लटकाया जाएगा तो गोस्वामी जी लिखते हैं को मुखहीन विपुल मुख काऊ किसी के अनेक मुख हैं किसी के अनेक मुख किसी के मुख है ही नहीं और शंकर जी के घर में मुख ही मुख का बड़ा झमेला है भोले बाबा के जीवन में मुख की बड़ी झमेली हाँ मुख का बड़ा झमेला काय न मांगत भीख फिरे घर माँ ही है मुख ही मुख को झमेला काहे न मांगत भीख फिरे घर माँ ही है मुख ही मुख को झमेला अच्छा शंकर जी के घर में मुख की लड़ाई है बोले क्यों बोले शंकर जी के जो पिताजी हैं भागवत के अनुसार वो हैं ब्रह्मा जी तो चतुरानन बाप इनके पिताजी के कितने मुख बोले चार चतुरानन बाप और वो लड़का किस काम का जो उन्नति ना करे तो चतुरानन बाप पंचानन आप शंकर जी के कितने मुख हैं बोले पांच एकानन चतुरानन पंचानन तो चतुरानन बाप पंचानन आप खड़ानन भूत अब लड़का किस काम का जो बाप की उन्नति ना करे तो इनके एक लड़का है जिसके छह मुख हैं तो चतुरानन बाप पंचानन आप खरानन पूत दसानन चेला अब देखना भाई इन्हें चेला भी बनाओ से ऐसो वैसो नहीं बनाओ बोले कौन बोले जिसके दस मुख तो चतुरानन बाप पंचानन आप खरानन पूत दसानन चेला दस मुंह वाले को चेला बनाया भोले बाबा ने तो इनके घर में भोले बाबा के घर में मुख का बड़ा झमेला भूत आए अमेरिका वाले भूत टाई पहनकर आए भारत का अशोक नगर का भूत एक अमेरिका वाले की टाई पे टंग गया अमेरिका वाले के भूत क्यों गरो फंस गो बड़ी मुश्किल से ये अशोक नगर वाला भूत नीचे उतरा तो अमेरिका वाले ने कहा भाई ये क्या है तो अशोक नगर के चंगीलाल जो भूत बना था उसने कहा ये बताओ तुम ये पहने क्या हो क्या लटकाए हो ये क्या है अमेरिका वाले बोले ये टाई है टाई 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 ये पढ़े लिखे लोग पहनते तुम लोग नहीं पहनते भारत के लोग बोले इसको कौन सी टाई कहते बोले आगे वाली टाई कहते हैं आगे वाले तो पहले भारत में लोग पर्दनियां पहनते थे तो कांच लगाते थे तो अशोक नगर के भूत ने अपनी कांच की पर्दनियां पकड़ी बोले आप लोग आगे की टाई पहनते हम लोग बैक टाई पहनते हैं आओ हम लोग भी कम नहीं है बैक टाई अनेक प्रकार के अरे पूछ भक्तमाली जी मामा जी बक्सर वाले मामा जी गीत लिखते हैं बड़ा प्यारा अरे बाप रे बाप मामा जी बक्सर वाले लिखते हैं आहा अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन सांप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन सांप कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन सांप अरे अरे कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन
कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन साप कैसन कैसन भूत प्रीत कैसन कैसन साप कैसे हैं छूटे ला पसीना सांस छूटे हाँप हाँप 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 कोई करे भय से विलाप और प्रलाप कोई करे भय से विलाप और प्रलाप भूतों को देख कर जहाँ बरात गई थी सो कोऊ तो डरा रहा कोऊ रो रहा है भगवान आज नहीं बचने तेरे ही हो जाने कोई करे भय से विलाप और प्रलाप कोई करे भय से विलाप और प्रलाप लेकिन कोई कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप ऐसे ऐसे भूत आ गए सो कोऊ आंख ही बंद करे कर लो जय हनुमान ज्ञान में सागर भूत बिसाज निकट नहीं आवे कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप अरे बाप सब भूत प्रीत बनकर बाबा की अद्भुत बारात चली।